हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हॉलीगोस्ट प्रोडक्शंस, रोज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल हॉलीगोस्ट प्रोडक्शंस को। आइए हम पवित्र बाइबल में से भजन संहिता अध्याय 2 को पढ़ते हैं। परमेश्वर का अभिषिक्त राजा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चुकना चूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, यह वचन उनके जीवन में बोया जाए, यह वचन इनके जीवन में फलों को लेकर के आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। पिता, इनके जिंदगी में जितनी भी निराशाएं हैं वो इस वचन के द्वारा इनके जीवन से नष्ट हो जाएं। परमेश्वर, जो भी अशांति इनके मन में है इन वचनों के द्वारा और जितनी भी सीरीज आगे इस वचन की चलेंगी, खुदावन, ये सुन करके आशीषित हों और इनके मनों में शांति आए। खुदावन, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।